1984 में हुए दंगों के एक मामले में फैसला आ गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंजिंदर सिंह सिरसा, लेकिन उनसे पहले बात करेंगे एक माताजी जो कि यहाँ पर आई हैं। माताजी, आज कितना बड़ा दिन है सिख समाज के लोगों के लिए? 100% लोगों के लिए, खाली सिख समाज के लिए नहीं है। हम कहते हैं कि हमें 84 का इंसाफ मिलना चाहिए। 34 साल हो गए हम कोर्टों में धक्के खा खा के। हमने खुद जज साहब को बोला, जज साहब हमें कौन सा टाइम आएगा जो हमें इंसाफ मिलेगा, ये कौन सी घड़ी आएगी जो हमें इंसाफ मिलेगा। आज हमें ये लगा है कि किरण जगी है कि इंसाफ मिलेगा हमें। दो जनों के लिए तो होया है, सज्जन कुमार जगदीश चैटलर उनको भी, उनके पास में हमारे साथ बहुत कुछ होया है। हमें कहते शर्म आती है कि क्या बताएं हम किसी को कि आदमी तो मारे मारे गए, पर लेडीजों के साथ जो हम कह नहीं सकते, इस बात को नहीं कह सकते, दोहरा नहीं सकते। क्या कहीं ना कहीं कोई आज एक उम्मीद की किरण जग गई है? इसके बाद कई और मामले भी आने हैं इसके बाद से। मामले आएंगे जब सज्जन कुमार जगदीश चैटलर को फांसी लगी, जब भी तो कहेंगे ना हमें ठंडक पहुंची है। क्यों मारा तो उन्होंने, परिवार के परिवार खत्म तो उन्होंने किए, उन्होंने खत्म किए परिवार के परिवार। हमारे परिवार तो आने से रहे, 34 साल हो गए हम भी कोर्टों में धक्के खाते, धरना का भी लगाने लगे हैं। 34 साल बाद ये पहला ऐसा केस है जो बंद करने के बाद दोबारा खोला गया। ये 9 साल बाद FIR लॉज हुई, फिर केस बंद कर दिया। 5 बार ये केस बंद किया। अब जो SIT बनाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, उसने आके केस को खोला। SIT ने 1 साल इन्वेस्टिगेशन की, 1 साल के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, और 1 साल में जज साहब ने आगे इसको ट्रायल कंक्लूड करके आज एक आदमी को सजाए मौत और एक को उम्र कैद की। हमें तसल्ली जरूर है उन दो लोगों को इंसाफ मिला जिनको उन्होंने कत्लेआम किया था, लेकिन इंसाफ अभी मिलना बाकी है। इंसाफ कब तब मानेंगे जब गांधी परिवार को इसकी सजा मिलेगी, जब सज्जन कुमार जगदीश ट्रैक्टर को फांसी पर टांगा जाएगा। हम लड़ते रहेंगे। पूरे हमले के बाद, 84 के दंगों के बाद, जिस तरह से कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो नुकसान, तो वो तो जस्टिफाई किया था। अगर वो जस्टिफाई नहीं किया होता तब तक तो सबको सजा होगी होती, क्योंकि राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया था और ये भी कहा था छोटे मोटे दंगे हुए, और ये भी कहा था कि लोगों में गुस्सा था। मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, देश को मैसेज दे दिया था, जुडिशरी को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ छोटी मोटी बात है। क्या लग रहा है आगे एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी? नहीं, उम्मीद हमें जगी, हमारी विटनेस अब और कायम होंगी, अब हम लड़ाई लड़ सकेंगे। हमें पूरी उम्मीद है अब हम सज्जन कुमार जगदीश ट्रैक्टर को जाने नहीं देंगे, उनको सजाए मौत होगी, अब हमें पूरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर जो है एक बड़ा फैसला आज आ गया है, अब उसके बाद एक बड़ी उम्मीद की किरण जगी है। देखना होगा आने वाले दिनों में और क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।